अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ सुबह ब्रेकफास्ट से। आज मैं ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ ब्रेड एंड चाय। आज पराठे का दिल नहीं कर रहा था, और कभी कभी होता है ना, आप एक ही रूटीन से बोर हो जाती हैं और उस रूटीन से निकल के कुछ डिफरेंट करें तो अच्छा लगता है। तो हमने आज थोड़ा सा डिफरेंट किया। बाकी सब घर वालों ने सैंडविचेस खा लिए थे, और सैंडविच खाने को मेरा दिल नहीं था, तो मैंने सिंपल ब्रेड ले ली, सा चाय का कप ले लिया, तो मेरा ब्रेकफास्ट डन हो गया। और इसके बाद घर के काम किए, कामों से फारिग होने के बाद, जैसे कि आपको पता है घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते ना, सुबह सुबह काम स्टार्ट हो जाते हैं। और वैसे भी आज नाश्ता ना हमने लेट किया था, अराउंड 9 o'clock हमने नाश्ता किया था, 9:30 पे हमारा जो नाश्ता स्टार्ट हुआ था, और 10 बजे तक हम फ्री हुए थे। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ एक ड्रेस हम हानिया के लिए लेके आए थे। अभी एक ही लेके आए, लेकिन जो भी लेके आते हैं ना, कुछ भी नया लाती हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। तो बेशक वो एक चीज़ हो या वो 10 चीज़ें हों, तो हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हानिया का हम एक ड्रेस लेकर आए थे, विंटर ड्रेस है और जैकेट टाइप फ्रॉक है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। और इसके साथ हमने एक पैंट ले ली थी, ये पूरा ड्रेस ही ऐसे का बना हुआ था, तो हमने सोचा कि इसको पहना बहुत प्यारा लगेगा, हमने इसका ड्रेस ले लिया। और बच्चों के तो कपड़े जितने ले लो उतने कम होते हैं, दिन में 2 से 3 बार उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। और आजकल तो उसको जुनून चढ़ा हुआ है कि वो जहाँ पे भी पानी देखती है ना, अगर किसी टब में पानी पड़ा हुआ है या कहीं पे भी है, तो वहाँ जाकर बैठती है और अपनी पूरी बाजू अंदर डाल लेती है, फुल गीली हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा ना उसके फिर कपड़े लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम गए थे किसी काम से बाहर, हम यहाँ पे आए थे एक मॉल में, और ये मॉल था मेन कलेक्शन का। इसमें इनके पास सिर्फ विंटर कलेक्शन थे, और वो भी सिर्फ मेन कलेक्शन थे, इसलिए हम लेडीज़ जो थी वो गाड़ी में ही बैठी रही थी। मामा बाबा और भाई हमारे जो है वो अंदर गए थे लेने के लिए, लेकिन हम गर्ल्स गाड़ी में ही बैठी रही थी। तो जी शॉपिंग करके हम वापस घर आ गए थे, और आज आपको मेरी वीडियो में शॉपिंग ही नज़र आ रही है। और अब आप देख रहे होंगे कि ये शॉपिंग, ये शॉप पूरी की पूरी हमारे घर में कैसे आ गई है। तो जी ये मेरे, हमारी अपनी ही शॉप है, ये मेरे भाई की शॉप है, मेरे सिस्टर के हस्बैंड की। तो वो कल आए हुए थे, तो मैंने उनसे बोला था कि आप ना कुछ कपड़े ले आएँ, तो मामा को भी कुछ ड्रेसेस लेने थे विंटर्स के लिए। और सारे गर्म सूट हैं उनके साथ, बड़ी बड़ी चादरें होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी शॉल्स नहीं होती उस तरह की शॉल्स थी। तो मैंने अपने लिए कोई सूट भी नहीं लिया, सिर्फ मैंने मामा के लिए ड्रेसेस ले लिए, क्योंकि मेरे पास अभी थे, और वैसे भी ना मुझे इतनी बड़ी बड़ी चादरों वाले कपड़े नहीं पसंद ना, मुझसे नहीं लिए जाते। मैं, मुझे होता है कि बस लाइट लाइट से जिनके दुपट्टे हो ना, शिफोन के या करेब के, नेट के, मतलब कि लाइट लाइट जो लाइट वेट होते हैं, और एक उनको ना कैरी करना इजी हो जाता है, तो मैं बस उस तरह की ड्रेसेस लेती हूँ। लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी बड़ी शॉल्स थी, तो फिर मैंने ना अभी कहा था कि मुझे अभी नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने बना लिए थे सिंगाड़े, आई थिंक इनको सिंगाड़े ही बोलते हैं, तो बताइएगा आप लोग भी कि आप लोग इनको क्या बोलते हैं, और मैं शायद सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो किन किन को पसंद है ये सिंगाड़े सर्दियों की, तो मैं कहती हूँ ये सौगात है, और हानिया भी मेरे साथ एंजॉय कर रही है। चम्मच उसने पता नहीं कहाँ से पकड़ लिया था, वो कभी मुंह में डाल रही थी, कभी उसके साथ कुछ कर रही थी। तो बच्चों का बस यही होता है, कोई भी चीज़ उनके हाथ आ जाए ना, उसके साथ ही ना वो खेलते रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ना बस ऐसे ही चलती रहती हैं। और मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे भी और मेरे भाई को भी ना, हम दोनों ना बहुत शौक से सिंगाड़े खाते हैं। तो जैसे विंटर स्टार्ट होती है ना, और सिंगाड़े मार्केट में आ जाते हैं ना, तो हम ले लेते हैं फ़ौरन से, और जब तक ये मार्केट में रहते हैं हम लेते रहते हैं और खाते रहते हैं। इनको उबाल के नमक लगा के खाते हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का। तो हम लोग तो बहुत ही शौकीन हैं ना इनके। हम हानिया को भी हम खिला रहे थे, माशाल्लाह से वो भी शौक से खा रही थी, अभी उसको फर्स्ट टाइम ही खिलाए हैं माशाल्लाह से। पिछले साल तो छोटी सी थी ना, तो ऐसा नहीं खाने लायक हुई है। और अब उसको नज़र आ गया था कैमरा, और कैमरे में खुद को देख के, तब आप देख सकते हैं उसकी एक्टिविटीज़ वो क्या कर रही है।
मतलब कि कैमरा ना अच्छे अच्छों को और छोटे बड़ों सबको ना अपनी तरफ कर लेता है। कैमरा एक ऐसी चीज़ है। तो खैर ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके घर तक चली जाए, आप तक पहुंच जाए। समझ गए होंगे ना मेरी बात को। तो जी यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपसे इजाज़त। मुझे दो में हमेशा याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।